हे एवरी वन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेज। गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यू क्रिटिसिज्म या मॉडर्न क्रिटिसिज्म, दोनों में सब कुछ भी कह सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, द न्यू क्रिटिसिज्म वॉज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटररी थ्योरी डैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटररी क्रिटिसिज्म इन द मिडल डेकेड्स ऑफ द 20th century। यानी कि जो ये न्यू क्रिटिसिज्म है, ये इनकी नया आलोचना जो है, ये एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है। अब फॉर्मलिस्ट का मतलब क्या होता है कि औपचारिक आंदोलन है। किसका? लिटररी थ्योरी का, जो कि अमेरिकन लिटररी क्रिटिसिज्म को क्या करता है, डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि मतलब उसके ऊपर हावी हो रहा है। कह सकते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म लिटररी थ्योरी में एक औपचारिक आंदोलन था जो 20th century यानी कि 20वीं सदी के मध्य दशकों में अमेरिकी साहित्य आलोचना पर क्या पड़ा, हावी पड़ा। इट एम्फेसाइज्ड क्लोज रीडिंग, पर्टिकुलरली पोएट्री, टू डिस्कवर हाउ अ वर्क ऑफ लिटरेचर फंक्शन एज अ सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ रेफरेंशियल एसिंथेटिक ऑब्जेक्ट। क्या बोला है कि किसी भी चीज़ को क्लोज तरीके से रीड करने पर ज़्यादा बिलीव रखता था, फिर वो चाहे पर्टिकुलरली क्या हो, हमारा पोएट्री ही क्यों ना हो। ये डिस्कवर करता है कि कोई भी वर्क जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, जैसे कि सेल्फ कंटेन्ड रहना, जिसके आत्मनिहित अपने ऊपर ही कोई भी कार्य आत्मनिहित कैसे रहे, आत्म संदर्भित कैसे रहे, और कोई भी एस्थेटिक ऑब्जेक्ट यानी कि सौंदर्यवादी वस्तु को जो है वो पर्टिकुलरली तरीके से जो है वो डिस्कवर करता है। ना मूवमेंट डिलीवर्ड इट फ्रॉम, ही जो आंदोलन है वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, जॉन क्रो रैंसम्स के द्वारा डिलीवर किया गया था 1941। उनकी जो बुक थी द न्यू क्रिटिसिज्म, यानी कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने जॉन क्रो रैंसम की 1941 की पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म से अपना परिचय दिया, यानी कि उस बुक से लोगों ने इस क्रिटिसिज्म को जानना जो है वो शुरू कर दिया था। द मेथड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज ए क्लोज रीडिंग। अब मेथड क्या था इसका, क्लोज तरीके से किसी भी चीज़ को डीपली तरीके से पढ़ना, कंसंट्रेट करना फॉर्मल एक्सेप्ट्स को, जैसे कि रिदम को, थीम को, उसको इमेज अच्छे से इमेजरी करना, तो ये सब चीज़ें जो थी इसकी जो एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंसंट्रेशन था, थीम था, ठीक है। अब आगे जो है मीनिंग, द मीनिंग ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज टू एनालाइज एंड फाइंड द मीनिंग विद इन लिटरेचर बाय यूटिलाइजिंग जस्ट द टेक्स्ट रेदर देन कंसर्निंग एनी इन्फ्लुएंस और इंटेंशन ऑफ द ऑथर आर द हिस्टोरिकल कल्चर बैकग्राउंड माइट हैव ऑन द वर्क। अब इसका मीनिंग क्या था देखा जाए तो न्यू क्रिटिसिज्म का, कि हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना और मीनिंग्स को जो है वो अच्छे तरीके से फाइंड करना, किससे, जस्ट किससे, टेक्स्ट से, यानी कि पाठ से, ठीक है, आप पढ़ सकते हो पाठ से और वो चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, ना कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को ब्लेम करके। मतलब किसी भी इतिहास में कोई भी इन्फ्लुएंसर ने अगर कोई भी मिस्टेक की है, कोई भी पोएट ने, कोई भी ऑथर ने अगर कोई मिस्टेक की है, तो उस चीज़ को टारगेट नहीं किया जाता था, हालांकि उसमें अपने राय विचार को देकर के उसको क्या किया जाता था, ठीक किया जाता था, यूटिलाइजिंग किया जाता था उसको टेक्स्ट से। जैसे कि मान लो किसी क्लासरूम में अगर किसी क्लास टीचर के द्वारा या किसी टीचर के द्वारा गलत पढ़ाया गया आपके सामने, ठीक है, तो आप ना कि उस टीचर को ब्लेम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि उसके जाने के बाद जो चीज़ गलत है उसको आप सही कर रहे हो। तो इस मूवमेंट में क्या होता था, जो चीज़ गलत होती थी उसको यूटिलाइज करके सही किया जाता था, ना कि ऑथर को ब्लेम किया जाता था कि उसने जो है वो गलत किया या उसका मतलब बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती थी। आगे यहाँ पे है, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द आइडिया दैट द ट्रू मीनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के मीनिंग पर बिलीव करता था, कैन बी फाउंड इन द टेक्स्ट, जो कि पाठ में इनको दिखता था उसी चीज़ों पे ये बिलीव करते थे, यानी कि टेक्स्ट पे ये बिलीव करते थे, किसी बात पे नहीं, किसी को ऑथर के कहने पे ये लोग बिलीव नहीं करते थे। द फाउंडेशन ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म वॉज लेड इन द बुक्स एंड एसेज। न्यू क्रिटिसिज्म को जो है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो उसके ऊपर जो है काफ़ी सारे बुक्स और ऐसे जो है वो रिटर्न किए गए हैं 1920 से लेकर 1930 के बीच में। किसके द्वारा? आईए रिचर्ड के द्वारा, जिन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर वर्क किया है, टीएस इलिट के द्वारा, जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जिन्होंने लिखा है, ठीक है। द अप्रोच वॉज एफिशिएंटली डेवलप्ड लेट हाउएवर बाय अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोएट्स एंड क्रिटिक्स इंक्लूडिंग। अब देखो इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे अमेरिकन पोएट्स और क्रिटिक्स जो है वो इंक्लूड हैं, जैसे कि जॉन क्रो रैंसम, क्लिनिथ ब्रुक, रॉबर्ट पैन वरन एंड विलियम के विमसेट। ये सब जो है
इनके सहित अमेरिकी कवियों और आलोचकों के एक समूह द्वारा देर से ही सही इस दृष्टिकोण को मध्यपूर्ण रूप से यानी कि महत्वपूर्ण रूप से जो है वो विकसित किया गया था। यानी कि ये जो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है ना कि द अप्रोच वॉज एफिशेंटली डेवलप, यानी कि डेवलप हुआ ये लेट ही सही, लेकिन अमेरिकन के पोएट्स और ग्रुप के द्वारा, जिस ग्रुप में ये लोग थे, कौन कौन, ये जॉन क्रो रैंसम, ये सब जो जितने भी लोग थे यहाँ से लेकर के विलियम के विमसेट तक के जितने भी आलोचक थे, पोएट थे, उन लोगों का एक समूह था, उन्होंने देर से ही सही लेकिन इस दृष्टिकोण को एक महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो विकसित किया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, यानी कि मुख्य प्रतिपादक जो थे वो न्यू क्रिटिसिज्म के नए आलोचना के कौन थे। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिए ही थे पीछे कि कौन कौन अमेरिकन क्रिटिक्स और पोएट्स थे, तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आया है आई ए रिचर्ड्स का। आई ए रिचर्ड्स का पूरा नाम है इवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, टुगेदर विद एलिट्स, एलिट के साथ मिलकर इन्होंने इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक इन द 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन क्रिटिसिज्म, यानी कि एंग्लो अमेरिकन क्रिटिसिज्म में 20th सेंचुरी के ये और बहुत ज्यादा जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे, आलोचक थे। ही हैज बीन कंसीडर्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, जैसे कि नेशन ऑफ क्या बोलते हैं ना, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को बोला जाता है, वैसे ही आई ए रिचर्ड्स को जो है वो फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता था। अमंग द मॉडर्न आई ए रिचर्ड्स इज द ओनली क्रिटिक हु हैज़ फॉर्मुलेटेड अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट थ्योरी ऑफ लिटरेरी आर्ट, यानी कि इतने सारे मॉडर्न उसमें आई ए रिचर्ड ही इकलौते ऐसे क्रिटिक थे जो हर चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करते थे और कंप्लीट करते थे लिटरेरी आर्ट को। हिज रेपुटेशन हैज़ अ क्रिटिक इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ द क्रिटिकल बुक्स ही रोट, उन्होंने काफ़ी सारे क्रिटिकल बुक्स लिखे थे जिससे उनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी। हिज फर्स्ट बुक, उनका जो फर्स्ट बुक था द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स रिटन इन कोलेब्रेशन विद हिज टू फ्रेंड्स, तो उसको उन्होंने कोलेब्रेशन में लिखा था, यानी कि दो फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो लिखा था। इन द बुक, इस ये जो अब जो और बुक्स हैं इन द बुक, द ऑथर हैव ट्राई टू डिफाइन ब्यूटी, अब इस बुक में ऑथर ने क्या किया था, ब्यूटी को जो है वो डिफाइन करने का जो है वो ट्राई किया था बाय स्टडिंग इट्स इफेक्ट ऑन रीडर, रीडर के पढ़ने के तरीकों से उन्होंने अपने अंदाज में जो है वो ब्यूटी को डिफाइन करने का जो है वो कोशिश किया। हिज सेकंड बुक, उनकी जो दूसरी बुक थी द मीनिंग ऑफ मीनिंग वाज रिटर्न विद, किसके द्वारा रिटर्न, किसके साथ रिटर्न उन्होंने की थी, ऑगडेन के साथ उन्होंने जो है वो रिटर्न की थी। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिम्बॉलिक यूज ऑफ लैंग्वेज इन साइंस एंड इट्स इमोशनली यूज इन पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन द हिज लेक्चर रूम एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन कैम्ब्रिज। देखो क्या बोला है कि इसमें साइंस में लैंग्वेज के सिंबॉलिक उपयोग और कविता में इसके इमोशनली यानी भावनात्मक उपयोग के बीच में जो है वो अंतर किया गया, जो हमारा कौन सा बुक था उनका सेकंड बुक द मीनिंग ऑफ मीनिंग जो इन्होंने ऑगडेन के साथ जो है राइट किया था, उसमें क्या अंतर देखा गया कि साइंस में जो लैंग्वेज होता है उसका जो सिंबॉलिक उपयोग, साइंस के जो लैंग्वेज में सिंबॉलिक उपयोग होता है और कविता में जो भावनात्मक उपयोग होता है, उन दोनों के बीच में अंतर किया गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे बोला है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कैम्ब्रिज में आयोजित उनके व्याख्यान कक्ष प्रयोगों पर आधारित है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हमारे पास जो है वो क्वालिटी दी गई है कि एक गुड क्रिटिक की जो है वो 3 क्वालिटी होती है, आई ए रिचर्ड्स के द्वारा कहा गया है ये चीज़ कि यानी कि ये 3 खूबी जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए हर मतलब क्रिटिक के अंदर, अगर वो अच्छा क्रिटिक बनना चाहता है, आलोचक बनना चाहता है। ए क्रिटिक मस्ट बी अडेप्ट एट एक्सपीरियंसिंग विदाउट एसेंट्रिसिटीज द स्टेट ऑफ माइंड रेलिवेंट टू द वर्क ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक आलोचक को, यानी कि एक जो हमारे क्रिटिक होते हैं, एक आलोचक को कला के काम से संबंधित मन की स्थिति को एसेंट्रिसिटीज यानी कि विलक्षणता के बिना अनुभव करने में क्या होना चाहिए, बिल्कुल माहिर होना चाहिए। नेक्स्ट इनका जो और रिमेनिंग 2 है उसमें क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है क्रिटिक मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वन अनदर एज रिगार्ड्स देयर लेस सुपरफिशियल फीचर। अब यहाँ पे क्या बोला, आलोचक को कम सही विशेषताओं के आधार पर अनुभवों को एक दूसरे को अलग करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि इतना ज़्यादा आप भले एबल नहीं हो लेकिन उसके बाद भी आपको जो है वो अनुभव होना चाहिए, आप सक्षम होने चाहिए एक दूसरे चीज़ों को एक दूसरे के आधार पर जो है वो मतलब अलग अलग करने में। अब है क्रिटिक मस्ट बी साउंड जज ऑफ
ऑफ वैल्यू, ठीक है, आलोचक को मूल्य का एक अच्छा निर्णायक होना चाहिए, यानी कि उसको हर चीज़ को निर्णय लेने का एक जो है एक हक होना चाहिए, उसकी वैल्यूएबल साउंड होनी चाहिए. रिचर्ड हिमसेल्फ पोजेस देयर क्वालिटीज़, और वो अपने आप में ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं स्वयं में जो है अपने सभी गुण जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है. एंड ही डिड अ ग्रेट सर्विस टू लिटररी क्रिटिसिज्म बाय लिंकिंग इट विद साइकोलॉजी, यानी कि उन्होंने साक्षरता, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई होती है, साक्षरता आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़कर उसकी महान सेवा की है, यानी कि साइकोलॉजी से जोड़ी है उन्होंने. किसको? अपने ग्रेट सर्विस ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म को उन्होंने किससे लिंक किया है? साइकोलॉजी से. अब अगर हम बात करें टी एस एलिट की, अब यहाँ हमारा नेक्स्ट है टी एस एलिट के बारे में. अब टी एस एलिट के बारे में अगर हम जानें तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आर वन ऑफ द मोर वेल नोन वर्क्स डैट एलिट प्रोड्यूस इन हिज क्रिएटिव कैपेसिटी. देखो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट एक ऐसे है जो कि टी एस एलिट द्वारा लिखा गया है, और ये बहुत ज़्यादा वेल नोन वर्क है, यानी कि बहुत जाना माना कार्य है जिससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं. दिस ऐसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द इगोस्टिक 1919. ये जो ऐसे है, दिस ऐसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द इगोइस्टिक 1919 में ये पब्लिश हुआ था, एंड लेटर जो उसके बाद जो है वो एलिट्स का फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म में भी ये जो है वो पब्लिश हुआ. द स्केटर्ड वुड 1920 में उनका पब्लिश हुआ. इन हिज ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ही यूजेस द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोलरेटिव. ही डिस्क्राइब हाउ इमोशन आर बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन पोएट्री. उन्होंने ये सब चीज़ें इसमें दर्शाई है कि इमोशंस, यानी कि जो भावना होती है वो कितनी ज़्यादा एक्सप्रेस होती है पोएट्री के अंदर, यानी कविताओं के अंदर. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द थ्योरी इम्पर्सनलिसिटी कंसंट्रेटिंग नॉट ऑन द पोएट बट द पोएट्री एलिट इंसिस्टेंस ऑन द फैक्ट दैट पोएट्री मस्ट बी इम्पर्सनल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. अब यहाँ पर क्या बोला है टी एस एलिट के द्वारा, अब जैसे कि उन्होंने कहा है कि इन हिज ऐसे हैमलेट वाला जो इन्होंने लाइन कहा है, यानी कि अपने निबंध हैमलेट और उसकी समस्या में उन्होंने ऑब्जेक्टिव जो है मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव काव्यांश का उपयोग किया है. यह वर्णन करता है कि कविता में भावनाओं की सबसे अच्छी तरह से कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी कि भावनाओं को कविता में सबसे अच्छे तरीके से यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, और यह कवि पर नहीं बल्कि कविता पर ध्यान केंद्रित करने वाले उनके व्यक्तित्व उनके सिद्धांत पर जो है का जो है एक हिस्सा है. यानी कि वो किस पे बिलीव करते हैं, वो कवि पर बिलीव नहीं करते, वो कविता पर ध्यान केंद्रित करने का जो है वो सिद्धांत बनाते हैं. ये उनका एक सिद्धांत का एक हिस्सा है कि हमेशा जो है उनका ऑडियंस का जो ध्यान है वो हमेशा कविता पर केंद्रित रहे. इस तथ्य पर एलियट का आग्रह है कि कविता को अवैध होना चाहिए, जिसमें नई आलोचना के गठन को बहुत प्रभावित किया. अब हम थर्ड वाले जो हमारे एक्सपोनेंट है जॉन क्रो रैंसम उस पर चलते हैं. जॉन क्रो रैंसम वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर स्कॉलर क्रिटिक पोएट एसेइस्ट एंड एडिटर. यानी कि जॉन क्रो रैंसम जो थे वो एक अमेरिकन एजुकेटर थे, स्कॉलर थे, क्रिटिक थे, पोएट थे, एसेइस्ट थे और राइटर थे. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. यानी कि इनको क्या कंसिडर किया गया था कि वो न्यू क्रिटिसिज्म के जो है वो फाउंडर तो हमारे हमने इससे पहले जो फर्स्ट वाला पढ़ा था वो थे, यानी कि आई ए रिचर्ड्स. ही सेज डैट क्रिटिक्स मस्ट स्टडी लिटरेचर. इनका कहना था कि जो क्रिटिक्स है उनको जो है वो स्टडी करना चाहिए किसको? लिटरेचर को. नॉट आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. नोट अबाउट लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर को स्टडी करना चाहिए, ना कि लिटरेचर के बारे में स्टडी करना चाहिए. इन न्यू क्रिटिसिज्म पर्पस द फॉलोइंग आइडियाज़. अब न्यू क्रिटिसिज्म का जो है वो काफ़ी आइडियाज़ उसका जो है उसको फॉलो करना जो है वो उनका पर्पस था. यानी कि फर्स्ट जो है वो टेक्स्ट बिकम्स द फोकस ऑफ द क्लोज रीडिंग, यानी कि पाठ बारीकी से पढ़ने का केंद्र बिंदु बन जाता है. द एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट हैज़ टू बी साइंटिक एंड प्रिसाइज, यानी कि किसी पाठ का विश्लेषण यानी कि वैज्ञानिक एवं सटीक होना चाहिए. अ पर्सनल हिस्टोरिकल मॉरल एंड बायोग्राफिकल डिटेल्स अराउंड अ टेक्स्ट आर ऑल रिजेक्टेड इन द फील्ड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. यानी कि किसी पाठ से संबंधित व्यक्तिगत ऐतिहासिक नैतिक और जीवनी संबंधी विवरण नहीं आलोचना के क्षेत्र में अस्वीकार कर दिए जाते हैं. हमारे फोर्थ जो है वो है क्लीन ब्रुक. क्लीन ब्रुक वॉज एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन टीचर थे वो, एक और एक साथ में आलोचक भी थे.
थे हुज वर्क वॉज इम्पॉर्टेंट इन स्टैब्लिशिंग द न्यू क्रिटिसिज्म. उनका भी जो वर्क है वो न्यू क्रिटिसिज्म को स्टैब्लिश करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है. विच स्ट्रेस्ड क्लोज रीडिंग एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ लिटरेचर, जो कि क्या करता है क्लोज रीडिंग यानी कि ध्यानपूर्वक कोई भी चीज़ को पढ़ने में बहुत अच्छा एनालाइज करते थे वो. अब है विलियम कर्ट्ज़ विमसेट. विलियम कर्ट्ज़ विमसेट आर ऑल्सो एन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी थियोरिस्ट एंड क्रिटिक्स. वो जो है वो एक अमेरिकन वो क्या थे प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के कह सकते हैं, क्रिटिक भी थे. विमसेट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ डिस्कशन ऑफ इंटेंशनल फिलेसी विच ही डिवलप्ड विद मोनराक बेडशले इन ऑर्डर टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑथर्स इंटेंशन विद द क्रिएशन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट. ठीक है, अब इसका मतलब समझेंगे. अब यहाँ पे लिखा गया है कि विमसेट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ डिस्कशन ऑफ इंटेंशनल फैसेलिसी विच ही डेवलप्ड विद मोनार्क. यानी कि बोला गया है कि कहाँ पे थे, हाँ, विमसेट अक्सर जानबूझकर भ्रम की चर्चा से जुड़े होते हैं. यानी कि विमसेट जानबूझकर जो है वो भ्रम में रहने की जो है वो चर्चा करते हैं, जिसे उन्होंने कला के काम के निर्माण के साथ लेखक के इरादे के महत्व पर चर्चा करने के लिए मोनार्क ब्रेडसले के साथ विकसित किया था. अब इससे आगे है, इंटेंशनल फैलेसी इज द मिस्टेक ऑफ अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द ऑथर इंटेंशन व्हेन इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी वर्क. सच, हम आगे चलते हैं. एन अप्रोच इज फैलेसियस बिकॉज द मीनिंग ऑफ अ वर्क शुड बी अटेंड slowly within the work itself and attempt to understand the author it intention violate the antinomy of the work. यानी कि जानबूझकर किया गया भ्रम किसी साहित्यिक कृति की व्याख्या करते समय लेखक के इरादे को समझने की कोशिश करने की गलती है. यानी कि वो जो कार्य करते थे उनका कहना था कि जानबूझकर किया गया कोई भी कार्य जो लोगों को भ्रम में रखता है, किसी भी साहित्यिक कृति की व्याख्या करते समय लेखक का जो भी इरादा है उसको समझने की गलती कर देता है. यानी कि सही जो भी उसका इरादा है वो समझ नहीं पाता है. ऐसा दृष्टिकोण भ्रामक है क्योंकि किसी कार्य का अर्थ पूरी तरह से कार्य के भीतर की समाहित होनी चाहिए और लेखक के इरादे को समझने का प्रयास कार्य व्यवस्था का उल्लंघन है. ठीक है, इसके बाद जो हमारा रॉबर्ट पेन वैरम का अगर हम बात करें तो रॉबर्ट पेन वैरम वॉज एन अमेरिकन पोएट. वो भी एक अमेरिकन पोएट थे, एक नॉवलिस्ट थे एंड लिटरेरी क्रिटिक थे. ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. वो भी जो है वो एक फाउंडर थे न्यू क्रिटिसिज्म के, अलॉन्ग विद क्लीन ब्रुक्स के साथ साथ. ही ऑल्सो नोन एज द लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म एंड हिज वर्क हेल्प्ड इवोल्यूशनाइज द टीचिंग ऑफ लिटरेचर बाय ब्रिंग न्यू क्रिटिसिज्म इन टू अमेरिका कॉलेज क्लासरूम. यानी कि उनका भी बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल था और वो भी क्लीन ब्रुक के साथ ही उन्होंने भी उनके जैसा ही काफ़ी चीज़ों न्यू क्रिटिसिज्म में रिप्रेजेंट किया था अपने कार्य को और हेल्प किया था वोल्यूशनाइज करने में टीचिंग लिटरेचर को. ठीक है, उसके बाद कॉन्क्लूजन पे अगर हम जाएं यानी कि सारी चीज़ों का कॉन्क्लूजन अगर देखा जाए, दस न्यू क्रिटिसिज्म फोकस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ टेक्स्ट एंड प्योरिटी ऑफ द एक्ट ऑफ रीडिंग एंड एनालाइजिंग विदाउट बॉदरिंग अबाउट हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल परस्पेक्टिव अराउंड द टेक्स्ट. टू अप्लाई न्यू क्रिटिसिज्म अ क्रिटिक मस्ट लुक ओनली एट द टेक्स्ट ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर एंड कैन फाइंड एनी मीनिंग इट्स मीनिंग ऑफ लुकिंग बाय लुकिंग एट द थीम्स स्ट्रक्चर एंड लिटरेरी डिवाइस प्रेजेंट. न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स द आइडिया ऑफ टेक्स्ट एज एन आइसोलेटेड सेरेबल प्रोसेस अवे फ्रॉम पोलाइट मोलैरिटी हिस्ट्री एक्सेट्रा. यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो किसको फोकस करता है, यानी कि प्योरिटी ऑफ टेक्स्ट को, यानी कि पाठ को अच्छे से रीड करने पर बिलीव करता है, ना कि किसी के कहने पर वो मानता है. तो कह सकते हैं इस प्रकार नई आलोचना ने पाठ के आसपास ऐतिहासिक या राजनीतिक आप जो बोलो उसको ही उसका परवाह किए बिना पाठ की शुद्धता को पढ़ने को विश्लेषण किया है. यानी कि पाठ को अच्छे से केंद्रित किया है, यानी टेक्स्ट को पढ़ा है, ना कि उसको राजनीतिक तरीके से देखा है, ना कि उसको हिस्टोरिकल तरीके से देखा है. नई आलोचना को लागू करने के लिए एक आलोचक को केवल क्या चाहिए, साहित्य के काम के पाठ को देखना चाहिए. यानी कि जो कार्य है लिटरेरी में उसको अच्छे से देखना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और मौजूद विषयों संरचनाओं और साहित्यिक उपकरणों को देखकर इसका अर्थ पता चलना लगाना चाहिए. अब जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो पाठ के विचार को राजनीतिक नैतिकता इतिहास आदि से दूर एक
पृथक प्रक्रिया के रूप में लेती है। तो इसीलिए इस तरीके से बोला है कि ये जो न्यू क्रिटिसिज्म था वो लोग वो क्या करता था, उसके अंदर जितने भी लोग वर्क करते थे, जितने भी क्रिटिक्स वर्क करते थे, वो खाली ऑब्जर्वेशन करते थे बुक्स को रीड करके, क्लोज रीडिंग करके, ना कि किसी और ऑथर के कहने पर और ना ही किसी पॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल चीज़ों के दबाव में वो उस चीज़ का निर्णय लेते थे। सो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन एज एंड वीडियो एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और बाकी और चीज़ों के लिए आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।